क्या चलो लिखते हैं आ चुके हैं एक और एक वीडियो के साथ वापस। और आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, तो आज हम लोग खेलेंगे चिकम से। तो चिकम काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट गन मानी जाती है, बट अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। चिकम में इसका डैमेज बढ़ा है एंड गनस्मिथ के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी वेपन बन जाती है। बात हुई हम लोग इसको रैंक्ड में टेस्ट करने वाले हैं और हम लोग को मिल चुका है डोमिनेशन हाईराइज। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग मैप है इस गन के लिए, तो कोई बात नहीं यार, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है इस मैप में। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एनिमी के बेस में एंड मेरा प्लान वही है एनिमी के बेस पे कंट्रोल करना। एंड यहाँ पे एनिमी अब जाके सी कैप्चर कर रहे होते हैं, तो इनको हम लोग रोकने की कोशिश करता हूँ मैं इन लोगों को रोकने की, बट नहीं रोक पाता हूँ। एंड ये देखो ये बंदा दोबारा स्पॉन होके आता है, जिस बंदे को हम लोगों ने अभी भी मारा तो यार दोबारा ये पिट जाता है। तो देख सकते हो चिकम काफ़ी ज़्यादा मतलब क्विक मार रही है, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये। एंड ये देखो ये बंदा, ये मुझे पीछे से आके मारने की सोच रहा होगा बट नहीं मार पाया, तो चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे मैं जरा देख दाख रहा होता हूँ कि भाई कोई बचा तो नहीं है एनिमी के बेस पे। और ये वाले भाई साहब का बहुत ही ज्यादा नेटवर्क लैग कर रहा होता है जाएंगे। यार, इसको भी मार देते हैं। एंड ये बंदा दोबारा उछलता हुआ आ जाता है हम लोग को, और ये वाला सीन देखना कि कैसे हम लोग शॉक आरसी को सरवाइव कर लेते हैं। तो भाई चिकम दो ही बर्स्ट में बंदे को खत्म कर देती है और उसकी शॉक आरसी चली जाती है वेस्ट। एंड फिलहाल तो हम लोग काफी ज्यादा अच्छा जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं सेंट्री गन लगा देता हूँ एंड पूरा एनिमी का बेस चेकआउट करता हूँ, बट एनिमीज जो होते हैं वो हमारे बेस पे स्पॉन लगते हैं और हम एनिमीज के बेस में, तो मैं क्या कर लेता हूँ कैप्चर कर लेता हूँ। Nice. और भाई फाइनली मिल चुका है स्टेल्थ चॉपर, तो स्टेल्थ चॉपर को हम लोग मैच सॉरी मैप के बीचों बीच में लगा देते हैं। खोना चाहिए। तो भाई यार जब भी मैं कभी किसी स्ट्रीक में चलता हूँ तो हमेशा यार मुंह पे मोल्टाव आ जाता है, तो यार मेरे हिसाब से तो जो मोल्टाव है उसको टैक्टिकल वेपन से हटा देना चाहिए, उसको वापस स्कोर स्ट्रीक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। कमेंट बताना कि तुम क्या सोचते हो। एंड यहाँ मैं दोबारा मर जाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही गलत तरीके से रश किया होता है। बाद में मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड ये हमारा टीममेट फंसा होता है शॉक आरसी में, तो चलो यार कोई बात नहीं उसको भी बचा लेते हैं एंड जिसकी शॉक आरसी थी उसको भी मार देते हैं। तो भाई साहब की दो बार शॉक आरसी वेस्ट चली गई। एंड यहाँ पे मैच हो जाता है खत्म, मैच नहीं सॉरी राउंड, ये पहला राउंड खत्म हो जाता है। तो पहला राउंड हम लोग जीत चुके हैं, अब जीतना तो था ही अगर जीतते नहीं तो यार ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं होती। एंड यहाँ मैं आगे ट्राई करता हूँ एनिमीज के बेस पे रश करने की। Surprise! और जब मैं एनिमी के बेस पे स्ट्रेट रश कर रहा होता तो वो बंदा मुझे को सरप्राइज अटैक दे देता है एंड मैं मर जाता हूँ वहीं पे। तो दोबारा रश करते हैं, बट इस बार मैं थोड़ा अलर्ट रहता हूँ एंड ये बंदा ऊपर जा रहा होता है तो उससे रिवेंज भी ले लेते हैं। एंड यहाँ पहुँच चुके हैं एनिमीज के बेस पे, बट यहाँ कोई होता नहीं तो कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ हम लोगों ने बी खो दिया है तो बी को दोबारा कैप्चर करना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा अलर्ट होता हूँ क्योंकि उधर से भी कोई आ सकता है। पता है उधर ज़्यादा खतरा नहीं होता बट सामने से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। एंड एज यू कैन सी कि मेरा टीममेट भी मर चुका है, बट वो एनहाइलेटर से मरता ही मैंने ध्यान नहीं दिया खोना चाहिए। और फिर मैं भी एनहाइलेटर से मर जाता हूँ। खैर मुझे पीक तो नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पे इस बंदे को मार देते हैं एंड बी भी हम लोगों का कैप्चर हो जाता है, तो यार बहुत अच्छा जा रहा है ये मैच भी। एंड ये देखो जरा कैसे एनिमीज को सरप्राइज अटैक देते हैं, और ये बंदा अभी भी मोल्टा स्पैम कर रहा होता है। खैर यहाँ पे 1 HP बचती है तो जिंदा रहने का कोई चांस तो था नहीं, बट जिंदा रह सकते थे, बच सकते थे जिंदा अगर नीचे कूद जाते। एंड यहाँ इस बंदे को दोबारा मारते हुए भाई साहब ये QQ9 लेके खेल रहा है फिर भी जीत नहीं पा रहा है क्लोज रेंज में, तो यार चिकम काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट मार रही है। मैं ये नहीं कह रहा QQ9 से फास्ट मार रही है, बट यस फास्ट मार रही है। एंड यहाँ पे ये पूरा मैच खत्म हो जाता है एंड हम लोग जीत गए हैं।
ओके, तो फर्स्ट आ गया एमवीपी बन के, तो यार बहुत बढ़िया बात है ये एमवीपी बनना। तो यस, प्लस भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्लस हुआ है। एंड मैच टू की बारी। ओके, तो हम लोग को मिल चुका है क्रॉस फायर, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग मैप है इस गन के लिए। पता नहीं क्यों लॉन्ग रेंज के मैप मिल रहे हम लोगों को बैक टू बैक। खैर, यहाँ पे मेरा प्लान होता है कि मैं बीच वाली बिल्डिंग पे कंट्रोल करूँ, बट कोई कैप्चर नहीं कर रहा होता तो मुझे कैप्चर करना पड़ता है, क्योंकि प्लान के हिसाब से नहीं जाता है सब कुछ। तो ये वाला राउंड जो है, ये वाला राउंड वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब जाता है। एज यू कैन सी, मेरा जो एम है बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब कमेंट में मत बताना यार, मुझे पता है मेरा एम बहुत ज़्यादा बेकार है। ये देखो, माइनर रजिस्ट और मेजर रजिस्ट ही मिल रहे हैं। मेरा प्लान होता है कि मैं जल्दी से जल्दी बीच वाली बिल्डिंग पे कंट्रोल पा लूँ, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एनिमीज़ पहले ही कंट्रोल पा लिए होंगे, और अगर मैं अगर कंट्रोल करने की कोशिश भी करूँ तो मारा जाऊँगा बहुत बुरी तरीके से। खैर, यहाँ पे डबल किल लेते हुए अभी भी हम लोग जिंदा है तो अच्छी बात है ये। और यहाँ पे हम लोग बी कैप्चर कर रहे होते हैं, और कैप्चर भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बीच वाली बिल्डिंग पे कंट्रोल करने की कोशिश तो करता हूँ, बट कंट्रोल करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि कोई एनिमी तो दिख नहीं रहा होता। एंड यहाँ पे एक एनिमी दिखता है, बट बिना हम लोगों ने मोमेंट नहीं दी होती ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, तो मर जाते हैं। क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक एनिमी अपने बेस भी जाता है तो उसको भी मार देते हैं। एंड यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा होता है, एंगल वेंगल ले रहा होता है, तो कोई दिखता नहीं उस बिल्डिंग से, तो इस वाली बिल्डिंग पे आ जाते हैं। एंड यहाँ स्नाइपर में मार देता है। तो यार इस वाले राउंड में हम लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, कुछ डेथ्स तो मैंने तुम्हें दिखाई भी नहीं है। और ये राउंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया, देख सकते हो कि मैं बैक टू बैक मर ही रहा हूँ स्पॉन होते हुए, एंड टीम में लास्ट भी चल रहा हूँ। यार भी देखो, अभी भी मरना बाकी है, तो अभी मैं और भी ज़्यादा मरता हूँ। ये देखो भाई, भाई मैं बैक टू बैक मर ही जा रहा हूँ, मर ही जा रहा हूँ, मर ही जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक भी किल नहीं लिया और मर रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। बट ये वाला राउंड थोड़ा ख़राब जाता है, बट जो नेक्स्ट राउंड होता है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। तो वीडियो एंड तक देखना अगर तुम्हें लोड आउट देखना है तो। एंड यहाँ थोड़ा गंदा है मेरा कैट, फिर भी मार दिया होता है एनिमी को। और यहाँ पे हम लोग पहला राउंड जीत चुके होते हैं, और इस बार मैं कैप्चर नहीं करता हूँ, मैं बस सीधा बिल्डिंग में घुस जाता हूँ बीच वाली, एंड उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से पहले एनिमी जो कैप्चर करते हैं अपना बेस, तो उन लोगों को भी मार दिया है। एंड अब मैं ऊपर से एंगल लेने की कोशिश करूँगा, अगर बढ़िया एंगल मिल जाए। फिलहाल यहाँ से तो कोई भी नहीं दिख रहा। एंड बी जा रहा होता है, बट टीममेट्स ने बचा दिया, बट अभी भी जा रहा होता है, तो मैं ग्रेविटी स्पाइक मार देता हूँ जाके बी पे। एंड भाई साहब, काफ़ी सारी किल मिल जाती है ग्रेविटी स्पाइक से। एज यू कैन सी कि मेरे सारे स्कोर स्ट्रिक्स अनलॉक हो चुके हैं, तो सारे स्कोर स्ट्रिक ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तो हंटर किलर ड्रोन से भी किल मिल चुका है। एंड ग्रेविटी स्पाइक की एक बात बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, कि यार बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, एंड ये एक बार में पूरी टीम को खाने की पावर रखता है। तो यार बहुत ही बढ़िया चीज़ है ग्रेविटी स्पाइक, अगर तुम क्लोज रेंज में खेलते हो तो। बाय द वे, ये लॉन्ग रेंज मैप है, तो आई डोंट थिंक सो कि ग्रेविटी स्पाइक ज़्यादा काम करेगा। खैर, यहाँ पे ये एंगल लेते हुए एनिमीज को मारते हैं, ग्रेविटी स्पाइक फिर से चार्ज एंड फिर से भम। भाई साहब, हम लोगों ने दो बार बहुत सारी किल्स लिए, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं अभी तो। और यहाँ पे मैं हंटर किलर ड्रोन लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ, बट जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है वो खुल जाता है, तो बट फिर भी बचे जाते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे लॉन्ग शॉट, एज यू कैन सी कि भाई चिकम लॉन्ग रेंज में भी काफ़ी तगड़ा मार रही है। तो यार लॉन्ग रेंज में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लॉन्ग शॉट्स भी कई बार पड़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तुम लॉन्ग रेंज में स्नाइपर से देख रहे हो, स्नाइपर के सामने जा रहे हो, तो यार ऐसा नहीं, इतनी ज़्यादा ओवर पावर नहीं है। बट हाँ यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छे कि लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर सकते हो तुम, मिड रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल्सो क्लोज रेंज में तो यूज़ कर ही सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बीच वाली बिल्डिंग में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है, एंड मैं सोच रहा होता कि मैं एनिमीज़ के बेस पे भी जाके घुस जाऊँ, जो एनिमी के बेस वाली बिल्डिंग होती है। एंड मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा होता कि एनिमी कब कैप्चर करे सी, एंड जैसे एनिमी सी कैप्चर करने लगते हैं, मैं मौका देख के एनिमी के बेस में घुस जाता हूँ वाली बिल्डिंग में, एंड ये वाली जगह पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैं ट्रॉफी सिस्टम प्लेस करने का प्लान होता है, बट मैं गलती से थर्माइट फेंक देता हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग काफ़ी सारी किल्स बटोर लेते हैं, और जो बंदे होते हैं उनको लगता है कि मैं अभी भी मिडल बिल्डिंग में हूँ, तो दैट्स वाई वो मिडल बिल्डिंग में घुस जाते हैं सारे एनिमी, तो उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग एनिमीज को मारते रहते हैं।
एंड मैं यहाँ थोड़ा एम लगा के बैठ रहा था क्योंकि यार देख सकते हो शॉक आरसी नीचे है, कोई बंदा ऊपर आ भी सकता है। एंड वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि इतने पार्ट में मैंने कोई भी किल नहीं दिया है। यहाँ पे आंटे के लिए ड्रोन लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे एक और एक किल। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टीममेट है वो सी कैप्चर कर ले पूरी तरीके से। एंड एज यू कैन सी सी कैप्चर कर लिया है एंड अब एनिमीज बी पे जा रहे हैं। तो खैर कोई बेकार बात नहीं, वैसे भी हम लोग जीत रहे हैं एंड एनिमीज को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हराया। तो यार ये वाला राउंड भी जीत चुके हैं और यस बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया वाला राउंड। एंड आई डोंट नो कि मैंने कितने किल्स किए हैं बट यस मैं MVP बन गया। तो अभी देखते हैं कि हम लोगों ने कितने सारे किल्स किए हैं एंड प्लस भी लगाए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से। ओके तो 20 किल्स कर लिए हम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड अब मैं आपको लोड आउट दिखा देता हूँ। तो मैं ये वाला लोड आउट यूज़ कर रहा था, इससे पहले वाले मैच में कोई और लोड आउट यूज़ कर रहा था। मैं एनहाइलेटर लेके गया था और मैं पिस्टल लेके गया था FSG और ग्रेविटी स्पाइक की जगह। बात करें गन स्मिथ लोड आउट की तो मैं चिकम का गन स्मिथ जो लोड आउट है वो मैं ये वाला लोड आउट यूज़ कर रहा था। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, और अगर वीडियो पसंद है तो पता है कि क्या करना है, वही लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।